and you're watching Expose India. उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के एसएसपी सचिंद्र पटेल को कुछ दिनों से नगर में क्रिकेट मैच पर सट्टे के अवैध कारोबार की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते एसएसपी ने एसपी सिटी राजेश कुमार सिंह को क्रिकेट पे सट्टा लगाने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश जारी कर दिया, जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी सिटी ने क्राइम ब्रांच टीम और पुलिस को सट्टे का अवैध कारोबार करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश दे दिए, जिसके बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम सट्टेबाजों की तलाश में जुट गई। बीती शाम मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि अजय बघेल नाम का युवक अपने बंद मकान में क्रिकेट टूर्नामेंट में अवैध सट्टे का कारोबार कर रहा है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई तो आरोपी अजय के मकान में सट्टे लगाने वाले काफी लोग मौजूद थे। पुलिस टीम को देख लोगों में भगदड़ मच गई। घटना स्थल से सट्टे में इस्तेमाल होने वाले उपकरण मोबाइल नेट LCD TV रजिस्टर कैलकुलेटर DTH सेट टॉप बॉक्स और 10,700 रुपए का कैश बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्रिकेट का एशिया कप मैच हो रहा है, जैसा कि आप लोगों को जानकारी में है, उससे संबंधित सूचना प्राप्त हो रही थी कि शहर में कहीं पे इस संबंध में सट्टे की कार्रवाई चल रही है। SSP महोदय के निर्देश पे SOG और थाना उत्तर की टीम लगाई गई थी इसमें, जिनको एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिसमें 3 लोग पकड़े गए। उनसे LCD और DTH बॉक्स, सट्टे में जो प्रयुक्त बॉक्स होता है, वो बरामद हुआ है। 10,700 रुपये मिले हैं। लेन देन प्रकरण में जिसमें किस गेंद पर कितना रन बना और कितना किसको पैसा दिया गया लिया गया, उसका एक रजिस्टर बरामद हुआ है और इस तरह से एक अच्छी सफलता मिली है।